hello everyone today welcome to my channel that's krishna public school today i'm going to explain you our tree in english marigold for class 1 student i hope children you will enjoy this poem before going to start that i want to tell you about the importance of tree. The children, the importance of tree is for human beings who survive on earth because trees give us oxygen to live in on earth. Okay, and we gave up carbon dioxide for. Trees that's why there will be a balance, okay between carbon dioxide and oxygen. So that's why we should plant a tree in our house in the garden, and everywhere you can see the treeless. okay, then guys, we, we start the chapter.

पका हुआ ईटिंग टू रेडी टू ईट एंड इट्स अ टेस्टी बेरी और उसमें से एक बेरी का जो फ्रूट है वो निकालती है और उसको खाती है तो वो बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि जो बेटा बेरीज होती है बेरी बहुत स्वीट इन टेस्ट होती है द बर्ड फ्लाई स्टॉल अब जो बर्ड होती है वो इससे उड़ जाती है काफ़ी ऊंचाई पर उड़ने के बाद जो बेरी होता है बर्ड्स के पास एंड बेरी शीट फॉल्स तो वो बैरी नीचे गिल जाता है जस्ट द रेन हैव कम जैसे ही बैरी गिलता है नीचे जो बारिश है वो आने वाली लगती है, है ना स्टार्ट हो जाती है रेन हरी लाइट स्नान तो सभी कहते हैं जितने भी जो चिल्ड्रन होते हैं पार्क में प्लेइंग करते हुए वो कहते हैं कि हरी लाइट स्नान अब हमें जाना चाहिए क्लाउड्स रेन एंड सन क्लाउड्स मीन्स काले बादल बारिश और सन तीनों आ गए हैं आर प्लांट इज बोन हमारा जो प्लांट है वो जो बेरी शीट गिरा गिरा हुआ था उसकी जगह अब क्या आ गया है अ लिटिल प्लांट आ गया है नाउ अ ट्री और वही जो बेरी प्लांट था जिसमें से छोटा छोटा सा शर्ब और हाल निकला था उसके बाद आज वो किसमें कन्वर्ट हो गया है इट हैज़ कन्वर्टेड इन टू अ ट्रबिक ट्री विद लॉन्ग ब्रांच और वो जो ट्री है उसके पास कौन सी ब्रांच है ब्रांच कहते हैं बेटा टहनियाँ शाखाएँ जिन पर लीव्स लगती हैं तो वो जो ब्रांचेज हैं वो बहुत बड़ी हो गई हैं और बहुत घनी हो गई हैं क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग अब उस पर जो क्रोज होते हैं कौवे वो भी आते हैं जो बर्ड्स होती हैं वो भी आके सिंगिंग करती हैं क्राउलिंग आंट्स एंड स्पाइडस वेब अब और भी है ना इंसेक्ट ने घर बना लिया है क्योंकि उसकी ट्रीस की ब्रांचेस में लाइक क्राउलिंग आंट्स चढ़ती हुई चीटिया रिंगती हुई चीटियां एंड स्पाइडर वेब और मकड़ी के जाले कैटर प्लड विथ तीन ही लैग्स और छोटे छोटे ग्रीन कलर के कैटर प्लस भी आ गए है जिनकी छोटी छोटी लैग्स हैं रिच ग्रीन लीव्स लाइक अ प्लानटी जो ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं पत्तियां हैं वो इतना सुखदाई होती है कि वो लाइफ को लाइफ को न्यू लाइफ देती हैं द ट्रीज हैज फ्रूट अब ट्रीज की जब ब्रांचेज हो गई हैं स्टाम भी हो गया है और ग्रीन लीव्स भी आ गई हैं उसके बाद फ्लावर्स आया फ्लावर्स के बाद हम ये जो ट्री है हमारा फ्रूट्स देने लग गया ओके सम बिग सम स्मॉल अब इसमें इतने सारे फ्रूट्स लग गए हैं सम सम ऑफ ऑफ देम देम बिग स्मॉल लेट्स चलो हम सब इसको तोड़ें बट डू नॉट फॉल लेकिन तोड़ेंगे तो सही बट हम उसको गिराएंगे नहीं क्रोस पल्च अब जो कौए हैं वो भी इसमें घर बनाकर रहने लगे हैं स्ट्री ट्री के ऊपर स्क्वायरल रन और बड़ी बड़ी ब्रांचेज होने के साथ साथ जो स्क्वा हैं जो गिलहरियाँ हैं वो क्या कर रही हैं रनिंग कर रही हैं और ये छोटे छोटे जिल्पिंग मंकीस को देखो ये कितने स्विंग्स कर रहे हैं झूल रहे हैं बहुत फन के साथ स्ट्रोंग ब्रांचेज जो ब्रांचेज हैं ट्री की वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इतनी स्ट्रोंग हैं कि अगर हम इस पर स्विंग्स भी डालेंगे झूला भी डालेंगे तो ये नहीं टूटेगी विद पिटी स्विंग्स और वाओ ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं चिल्ड्रन हैं दे आर स्विंगिंग ऑन द ट्री आर ब्यूटिफुल ट्री हमारा जो ट्री इतना ब्यूटीफुल हैज सो मैनी थिंग्स एक ट्री के अंदर ही बहुत सारी थिंग्स बन गई हैं ज लाइक जो बर्ड्स uh, एनिमल्स का छोटे छोटे इंसेक्ट का घर बन गया है स्विंग्स बन गया है है ना फ्रूट्स बन गए हैं दैट्स लेट्स स्टार्ट सम न्यू वर्ड्स तो बच्चों हमने कौन कौन से न्यू वर्ड्स सीखे इस चैप्टर में दैट इज बेरी बेरी मीन्स फ्रूट कैटरपिलर लाइट ग्रीन कलर इंसेक्ट नेस्ट नेस्ट मीन्स जो घोंसला होता है जहां पर बर्ड्स लेज़ जैक रेन मींस बारिश ट्री ट्री मींस प्लांट नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोम दीडिंग ए स्पन वियरडस द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट जो लिटिल बर्ड है उसने फ्रूट कहाँ देखा आंसर द लिटिल बर्ड्स आर राइ फ्रूट्स ऑन द ट्री ट्रीपरी तो देखा था लिटिल बर्ड्स ने वट डज शी डू अब वो क्या करती है उन फ्रूट्स का तो जो बेरी होती है क्या करती है जो बर्ड होती है वो बेरी को ले जाती है और खाती है है ना देन द बर्ड्स ईट्स द बेरीज नेक्स्ट वॉट हैपन्स वन शी ईट द बेरी क्या होता है जब वो बेरी खाती है कौन बर्ड्स तो क्या होता है वो जो सीड होता है बेरी का वो नीचे गिर जाता है उसी का ही तो प्लांट बनता है तो देन द सीड्स फॉल डाउन वेयर डू द बर्ड्स लिव बर्ड्स कहाँ रहती हैं यू ऑलरेडी नो बेटा देन द बर्ड्स लिव्स इन द नेस्ट ऑन द ट्री कहाँ रहती है वो नेस्ट पर रहती है और वो भी ट्रीज पर घर बना के ओके गाइस आई होप यू विल एंजॉय दिस पोम एंड You have learned also the exercise. Now, keep your watching me. Thank you. Have a good day.